फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लाउज कोर्स के 9 पार्ट में। आज का हमारा टॉपिक है, ये जो हम कटिंग सीख रहे हैं, जिस टेक्निक को हम सीख रहे हैं, ये टेक्निक हमारे लिए कितनी यूजफुल है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या है। प्लस इस वीडियो में एक ऐसे पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे फर्मे के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हम मास्टर फर्मा बोलते हैं। ये फर्मे से आप हर टाइप के ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज, 3 टक्स ब्लाउज, सिंगल टक्स ब्लाउज, कोई भी टाइप का ब्लाउज हो, आप इस फर्मे से हर तरह के ब्लाउज को बना सकते हैं। और एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हो जिससे आप अपना नॉलेज ग्रो कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आज भी इस टाइप के सवाल मुझे फेस करने पड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ लोग बार बार ये सवाल भी करते हैं कि फुल बस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस हो तो इसका कटिंग कैसे होता है। तो इनसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये नॉलेज का चैनल है, एजुकेशन का चैनल है, यहाँ पे लिफ्ट वाला सिस्टम नहीं है, बटन दबाओ सीधा टॉप फ्लोर पे, यहाँ पे आपको स्टेप वाइज ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, वो टॉपिक जब आएगा, उसकी जब बारी आएगी तो वो भी वीडियो आ जाएगा, प्लीज़ इस टाइप के सवाल अभी मत करना। हमारे जो वीडियोस आते हैं इस कोर्स में, सब टॉपिक वाइज होते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर टॉपिक पे आपको कुछ डाउट्स है तो इससे रिलेटेड सवाल आपको करना है। टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्यों समझ में नहीं आया, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो आप जो सवाल करोगे वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दो सवाल और डिस्कस करेंगे हम, जो आप में से ही कई लोग ने मुझे पूछे। नंबर एक, आपने कहाँ पे काम सीखा, इतना नॉलेज आपके पास कैसे आया। नंबर दो, आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग क्यों नहीं करते। तो मैं ये दो सवाल का साथ में जवाब दूंगा, क्योंकि ये दो सवाल जो है आज के हमारे टॉपिक को रिलेट करते हैं, तो इसका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, तो मैंने कटिंग मुंबई में सीखा, मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड से आता हूँ, मैंने वहीं पे काम सीखा और 12 साल से वहीं पे कर रहा हूँ। हमारे यहाँ फैशन शो के लिए, रैंप के लिए मॉडल्स के ड्रेसेस बनते हैं, ब्लाउजेस बनते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बनते हैं, हाई प्रोफाइल लोग के बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर डिज़ाइनर ड्रेसेस, डिज़ाइनर ब्लाउज बनते हैं, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है। अभी एक बात को आप समझ लेना, क्योंकि इस बात को लेके यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत मिसकंसेप्शन लोगों में है। मैं कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं अगर कैसा भी डिज़ाइनर ड्रेस बनाता हूँ तो इसका मतलब मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं टेलर मास्टर हूँ, राइट। फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग दोनों डिफरेंट चीज़ है, जबकि एक ही कॉइन की दो साइड है, मगर दोनों डिफरेंट है। अगर आप चाहोगे, आप अगर बोलेंगे तो इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इस कोर्स के बाद, मगर ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ मॉडल्स का जिस टेक्निक से कटिंग होता है वही टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी इस टेक्निक की वैल्यू को समझना, ठीक है, कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये चीज़ आप इतनी आसानी से हमको फ्री में क्यों सिखा रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि मैंने भी इतनी आसानी से ही सिखाऊँ एक फार्मूला लाइफ में अप्लाई करके, और वो फार्मूला है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नॉलेज ग्रोज बाय शेयरिंग। अभी ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या बोलने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, 100% सही बात है, इसको मैंने अप्लाई करके देखा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है फ्रेंड्स, और इसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। सपोज़ के मैं इस फील्ड में हूँ, 50% मेरे पास नॉलेज है, आप भी इसी फील्ड में हो, 50% नॉलेज आपको भी है, जो नॉलेज मुझे है, जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आपके पास नहीं है, और जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज मेरे पास नहीं है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे, कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करोगे, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप भी अपना नॉलेज मेरे साथ शेयर करोगे, क्योंकि मैंने अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया। तो इधर क्या होगा फ्रेंड्स, जो नॉलेज मुझे नहीं था वो अब मुझे मिल गया,
जो नॉलेज आपको नहीं था वो आपको मिल गया। तो यहाँ पे एक दूसरे का नॉलेज शेयर करने से दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, मैं भी कंप्लीट हो जाता हूँ, आप भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी कोई भी आपसे कुछ सीखना चाहे, समझना चाहे, तो ईमानदारी से आप अपना नॉलेज उसके साथ शेयर करना। हो सकता है कि इसके पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपके पास ना हो, तो जब आप अपना नॉलेज उसके साथ शेयर करोगे तो वो भी उसका नॉलेज आपके साथ शेयर करेगा, तो उसमें आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिल सकती है, ऐसा भी नॉलेज मिल सकता है जो आपके पास ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही फंडा है नॉलेज को ग्रो करने का। सीधी सी बात है, आप किसी की अगर हेल्प करोगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा, राइट फ्रेंड्स। दूसरा सवाल कि मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग क्यों नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, हम लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है, वो तरीके को, वो टेक्निक को आप समझ लेना, और आप किस तरह से काम करते हैं दोनों को कंपेयर करना, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा टेक्निक सही है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हम लोग इस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, और हम लोग किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आपको इस टेक्निक की वैल्यू समझ में आ जाएगी। हमारे पास जब क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, सबसे पहले उसका मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसका कोई भी कैसा भी ब्लाउज हो, सबसे पहले हम सब क्लाइंट का, सब कस्टमर का इस टाइप का फर्मा कटिंग करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, आई होप के आपने भी इस तरह से ड्राफ्टिंग किया होगा। कैसा भी ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, चाहे कटोरी ब्लाउज हो, चाहे फोर्टक्स ब्लाउज हो, क्लाइंट को कैसा भी ब्लाउज चाहिए, सबसे पहले हम ये फर्मे का कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फर्मा क्या है फ्रेंड्स, यही मास्टर फर्मा है, यही जो मास्टर पैटर्न जो मैं बोल रहा हूँ यही है, इसी पैटर्न से सारे ब्लाउज क्रिएट होते हैं। ये ड्राफ्टिंग मैंने आपको इसीलिए बोला था कि आपको भी ड्राफ्टिंग करना है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग अगर आपने सीख लिया तो समझो कि आप हर तरह का, हर टाइप का ब्लाउज बना सकते हो, चाहे फोर्टक्स ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, चाहे कटोरी ब्लाउज हो। ठीक है, इसी फर्मे से आप सब तरह के ब्लाउज बना सकते हैं, कॉलर नेक भी बना सकते हैं, बोट नेक भी बना सकते हैं, डीप नेक भी बना सकते हैं, सारे ब्लाउज, जितने भी ब्लाउज बनते हैं इसी फर्मे से बनेंगे। तो हम लोग फ्रेंड्स, क्लाइंट का सबसे पहले ये फर्मा कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका जो भी ब्लाउज हमको बनाना रहता है, क्लाइंट ने जैसा भी ब्लाउज हमको बोला है, चाहे प्रिंसेस कट बुलाओ, चाहे फोटक्स बुलाओ, ठीक है, ये पैटर्न रख के हम उसका ब्लाउज कटिंग करते हैं। ठीक है, फिर इस पैटर्न को उस क्लाइंट के नाम से या तो उसके बिल नंबर के नाम से सेव कर देते हैं, इस फर्मे को हम स्टोर कर लेते हैं, रख देते हैं इसको। फिर जब क्लाइंट अगर दो दिन बाद आएगा, या तीन दिन बाद आएगा, या वन मंथ बाद आएगा, कभी भी आएगा, तो सेकंड टाइम जब आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक बात समझ लेना, अगर आपका काम अच्छा है, अच्छा फिटिंग आपने क्लाइंट को दिया, तो आपका वो परमानेंट कस्टमर हो जाता है। ठीक है, हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं सब परमानेंट होते हैं, और जो नया भी आता है उसको भी हम परमानेंट कर देते हैं अच्छा फिटिंग दे के, तो ये फर्मा हमारे पास लाइफ टाइम के लिए रहता है उसका, तब तक रहता है जब तक उसके मेजरमेंट में चेंजेस ना आ जाए। अगर मेजरमेंट ज़्यादा चेंज होता है तो फिर हम दूसरा फर्मा कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब सेकंड टाइम आएगा तो हम यही फर्मा रखेंगे, फिर इसको जो भी टाइप का ब्लाउज चाहिए यही फर्मा रख के हम कटिंग कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स, डायरेक्ट फैब्रिक कटिंग करने में क्या होता है कि डायरेक्ट अगर मैंने फैब्रिक कटिंग किया, ठीक है, ब्लाउज बन गया, क्लाइंट लेके चला गया, सपोज़ के दो दिन बाद फिर ब्लाउज सिलवाने आया, तो आपको वो ब्लाउज वापस से फैब्रिक पे मेजरमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, मार्किंग लगाने पड़ेंगे, कटिंग करना पड़ेगा, राइट। तो जितनी बार आएगा उतनी बार आपको ब्लाउज कटिंग करना पड़ेगा। हमारा क्लाइंट आता है, हम सीधा फर्मा निकालते हैं उसका जो हमारे पास होता है, फैब्रिक पे इसको रख दिया, 5 मिनट में हमारा ब्लाउज कटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, ये टेक्निक से आप काम कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट का फर्मा है, तो आपके लिए ब्लाउज कटिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ सीम अलाउंस ऐड करके कटिंग करना होता है। अब चाहे आप प्रिंसेस कट बना रहे हो, फोर्टक्स का तो हमारा फर्मा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, कटोरी ब्लाउज बनाना है तो कटोरी ब्लाउज भी इसी में से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट हमारा जब आता है तो फर्मा रख के हम कटिंग कर देते हैं, 5 मिनट में हमारा ब्लाउज कटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका। और हमको पेपर इसलिए कटिंग करना पड़ता है, इसका दूसरा रीज़न भी आपको बता दूँ,
क्योंकि हमारे यहाँ जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नई डिज़ाइन आती है, ठीक है। तो डिज़ाइनर की जो बड़े डिज़ाइनर की डिज़ाइन होती है तो इतनी ईजी नहीं होती, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बनाने में इतनी आसान नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन आपको बनाना है तो बिना पेपर के पॉसिबल नहीं है। ये जब मैं डिज़ाइन के वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप के आपके ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी फ्रेंड्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये फर्मे का ड्राफ्टिंग करने के लिए बोला था, ठीक है। आई होप के आपने कर लिया होगा। अगर आपने फ्रेंड्स ये ड्राफ्टिंग सीख लिया तो समझ लो आपने हर टाइप के ब्लाउज़ का कटिंग सीख लिया, ठीक है। इसी फर्मे से सब टाइप का ब्लाउज़ कटिंग होगा, कॉलर नेक हो, बोट नेक हो, डीप नेक हो, प्रिंसेस कट हो, कटोरी कट हो, फोर टक्स हो, सिंगल टक्स हो, एक्स वाई जेड कोई भी ब्लाउज इसी फर्मे से आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ड्राफ्टिंग आपने सीख लिया तो समझो आप सभी टाइप के ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं। एक बात और बता दूँ, अभी आपको यहाँ पे तीन मेजरमेंट बताता हूँ मैं। एक मेजरमेंट ऐसा होता है कि जिसमें अपर चेस्ट और बस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। एक मेजरमेंट में एक इंच का डिफरेंस होता है और एक मेजरमेंट में दो इंच का डिफरेंस होता है। जैसे ये फर्मे में हमारा दो इंच का डिफरेंस था, ठीक है। तो ये जो तीन डिफरेंस वाला फिगर है वो 60-70% लोगों का होता है। सपोज कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 60-70% इसी फिगर के हो गए, ठीक है। ये एक रेगुलर फिगर है और ये इसका ड्राफ्टिंग बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग आपने तीन फिगर पे सीख लिया, ठीक है, तो समझो आपने 60-70% काम सीख लिया, कटिंग सीख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं फ्रेंड्स, हमारा कोई भी क्लाइंट रहेगा उसका सबसे पहले ये फर्मा कटिंग होता है, ठीक है। और ये फर्मे से सिर्फ ब्लाउज ही नहीं, आप गाउन भी बना सकते हैं, कोई भी ड्रेस आप इसी फर्मे से बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आपको ये ड्राफ्टिंग सीख लेना है, ठीक है। अगर आपने ये ड्राफ्टिंग अभी भी नहीं किया है तो मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये ड्राफ्टिंग आप जैसा लास्ट वीडियो में मैंने मेजरमेंट दिया था वही मेजरमेंट से, वो वीडियो में जिस तरह से बताया था उसी तरह से ड्राफ्टिंग करना है। स्टेशनरी से 10 रुपये का चार्ट पेपर आपको मिलेगा, पेंसिल से मार्किंग करना है, ठीक है। आप इस ड्राफ्टिंग को अपने पास बना के रखना, क्योंकि अभी मैं इसी ड्राफ्टिंग से सब तरह के ब्लाउज़ कैसे कटिंग होते हैं सबसे पहले ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने सीख लिया तो समझो आपने 60-70% कटिंग सीख लिया, जो 30-40% है फ्रेंड्स, 40 भी नहीं बल्कि 30% ही आपके इस तरह के क्लाइंट आएंगे जिसका अपर चेस्ट और बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। या तो ज़्यादा शोल्डर स्लोप वाले होंगे, या तो राउंड बैक वाले होंगे, या तो राउंड शोल्डर वाले होंगे। तो 30% के करीब इस तरह के क्लाइंट आपके होंगे। तो आपको सबसे पहले 70% को सीख लेने, ठीक है। तो इसके बाद हम 30% पे आएंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस तरह का ड्राफ्टिंग आपको लास्ट वीडियो देख के करके रखना है अपने पास। चार्ट पेपर स्टेशनरी स्टोर से लेना है, चार्ट पेपर पे पेंसिल से करना है, और मैं आपको जैसे बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। अभी मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे आपको करना है, ठीक है, अगर कटिंग सीखना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि ये जब हम सीख लेंगे तो समझो हमारा कोर्स 70% कंप्लीट हो जाएगा, 30% हमको सीखना फिर रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके समझ में आई होगी। लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी ड्राफ्टिंग पे, हम कटोरी ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है जहाँ तक सबसे ज़्यादा डिमांड कटोरी ब्लाउज़ की आती है, ठीक है। इसी ड्राफ्टिंग से आप सिंगल कटोरी, डबल कटोरी दोनों ब्लाउज़ बना सकते हैं, ठीक है। मेरा जहाँ तक मानना है कटोरी ब्लाउज़ आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्लाउज़ लगता होगा कटिंग में, ठीक है। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है, इजी तरीके से कटिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और फिटिंग भी अच्छा आएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना जो हमारा कटोरी ब्लाउज़ पे होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।